को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हन हन दुष्टन को प्राणनाथ, हाथ गहो प्रकट मही तल मिटावो सब शोक को, हमें जो सतावे जन काम मनोवाक्यते, वार वार तिनको पठाओ यम लोक को, भवन मसान करो संतत श्रीगाल रोवे, रुधिल कपाल धरो उग्र शूल चोक को, भैरो महाराज काज आज ए ही करो, शरण तिहारी वेग माफ करो चूक को। पिछले साल भी एक मंत्र दिया था शत्रुओं के लिए, इस बार फिर दे रहा हूँ। पिछली बार पूरा नहीं बताया था, इस बार बता रहा हूँ स्तंभन मंत्र शत्रुओं का। खुश मत हो जाओ कि शत्रुओं को नाश कर देंगे, स्तंभित कर देंगे। इस मंत्र से शत्रु कुछ भी करेगा तुम्हारे विरुद्ध तो उसका वो कार्य स्तंभित हो जाएगा। मतलब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? ये भगवती का आसुरी रूप का मंत्र है। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा राई, सरसों का तेल, गूगल का धूप, काला वस्त्र, काला आसन, दक्षिण दिशा, नवरात्र का समय, अष्टमी नवमी का निशाबली वाला समय या फिर कोई भी अमावस्या। ठीक है, इतने सामान को ले लो। सबसे पहले जो आटा रखा है उसमें उससे एक पुतला बनाओ अपने दुश्मन का। उसमें कोई एक सामान उसका डाल दो, छोटा सा कलम हो या कुछ भी उबाल हो। फिर राय के दाने से उसका आँख नाक मुंह बनाओ, उसको सामने रखो। ठीक है, उसके बाद आसन पकड़ो। आसन मंत्र बोल के बैठोगे, कर आसन सुलभ रक्षति बाल तुम्हारा आसन आस, रक्षा करे भैरव काल नव रक्षा माँ शमशान वासी प्रथम नमन गुरु आसन। ऐसा बोल करके आसन पर बैठ जाओ। उसके बाद उस पुतले को सामने रखो। ठीक है, अपने आपके जो भी जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है उसका नाम लेकर के उस पुतले को सामने रखो और बोलो ओम आम ह्रीम। उसके बाद अमुक पुरुष का प्राण इस पुतले में आवे, ऐसा सोच लेना है, ऐसा बोल देना है। पहले मंत्र बोलना है ओम आम ह्रीम। ठीक है, इतना करने के बाद जो आपने स्थान बनाया है भगवती के लिए, ठीक है, क्योंकि भगवती की पूजा है तो आप एक दीपक जलाओ भगवती के नाम का, और भगवती का जो त्रिपुंड यंत्र होता है वो वहाँ पे बना के बीच में लिखो क्रिम। फिर माँ भगवती का ध्यान करो। तो माँ का ध्यान कैसे करोगे? तो माँ का ध्यान हृदय में होगा। हृदय में तुम देखोगे कि एक बहुत बड़ा मसान है, श्मशान है, उसमें चारों तरफ जो है भूत प्रेत वो नाच रहे हैं, और बीच में एक रत्न का सिंहासन है, उस पर महादेव लेटे हैं, ऊपर भगवती मुंडमाल धारण करके अति सुंदर भगवती खड़ी है। ठीक है, और उसके बाद भगवती जो है वो कपिल वर्ण की है, चतुर्भुजा है, बाएँ हाथ अभय मुद्रा में है और दाहिना हाथ जो है वो वरदान मुद्रा में है। शक्ति और तलवार जो है दोनों हाथों में उन्होंने धारण कर रखा है। ठीक है, मुंडमाल के अलावा मोतियों की हार से विभूषित है और पद्मासन में देवी बैठी हुई है। ठीक है, काली और इनके रूप में यही अंतर होगा कि पद्मासन के में ये बैठी रहती हैं, काली जो है वो खड़ी रहती है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक ध्यान पूरा ना हो तब तक इस विधान को पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे आप ये ध्यान कर ले रहे हैं कि भगवती बैठी है, आपको ये ध्यान करना है कि आप भगवती के कान में जा करके उस
व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है। अगर आपके साथ किसी ने गलत नहीं किया, आप चाहोगे उस पर स्तंभन चलाना, तो प्रयोग नहीं हो पाएगा, उलट जाएगा, आप ही स्तंभित हो जाओगे और उसके बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए जिसने गलत किया है उसी को स्तंभित करना, उसके कार्यों को स्तंभित करना, कि तुम्हारे विरुद्ध जो कार्य कर रहा है वो स्तंभित हो जाए। तो भगवती के कान में जा करके वो बोल देना है कि भगवती, इसने मेरा ये बुरा किया है तो इसलिए मैं इनका स्तंभन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मंत्र का आपको करना है 2000 जाप और साथ में 100 हवन, मतलब पूरा मिला के 2100 मंत्र सुननी है। स्तंभने कपिलाम चतुर्भुजाम वामे भय वरदाम दक्षिणे शक्ति खड्गो दधतिम मुक्ता हार विभूषिताम पद्मासना संस्थिता ध्यायेत, ठीक है। ये जो अभी बताया ये भगवती का ध्यान या प्रणाम मंत्र है। ये हर माला के पहले आपको करना है। मान के चलो आप 20 माला कर रहे हो, तो हर माला से पहले आप ये ध्यान मंत्र करोगे और हर बार भगवती का ध्यान करके जो विधान बताया है वो उनके कान में जाकर के बोलना है। मंत्र क्या है? जो मंत्र आपको जाप करना है वो है ओम कुटके कुटक पत्रे सुभगे असुरी रक्ते रक्तवासिसी अर्थवर्णस्य दुहिता अमुख स्तंभन कुरु कुरु हुमफट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद आप 108 इसका हवन करेंगे और हवन सामग्री में कुछ बहुत विशेष नहीं, जो भगवती का हवन होता है उसी से हवन होगा, लेकिन अंत में आपको 3 बार कारण भगवती को अर्पित करना है। भैरव बाबा को भोग देना, गुरु का भोग देना ना भूले। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें मैं बंधन मंत्र, आसन मंत्र, भैरव मंत्र और जो भी गुरु मंत्र से पहले का जितना विधान है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो उससे जुड़ने के लिए मेरे नंबर 9431188585 पर मैसेज कर सकते हैं, तो आगे का आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। जिनको बात करना है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेबसाइट है www.aghortantra.xyz, उसमें जाके अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइएगा, उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। ये ऐप आपको ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों पे मिल जाता है। इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें मेरा नाम सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नवरात्र चल रहा है, एक विधान मैं अभी आप लोगों को दूंगा जो 3 दिन में सिद्ध होता है, कल या परसों में वो वीडियो है। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोग कृपा बरसाती रहे, ऐसी मेरी कामना। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।